Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 4, Disaster Management. Okay, now disaster is a word जिससे सब डरते हैं. Do you know why? Because जब भी ये disaster आएगा ना, it destroys the life on the earth. Okay, it means what? Can you imagine? What is the thing that occurs and it will destroy all the life on the earth? Now, have you heard about flood? है ना, जहाँ जिसको हम बाढ़ बोलते हैं. Then, have you heard about earthquake? Have you heard about tsunami? So, this all are the disaster which occur in on earth and this destroys the life which is present on the earth. Okay? Now, ask your mama about Kedarnath incident. Okay, and if you have seen Kedarnath movie, you might be knowing what had happened there, right? So that was a disaster जिसने पूरी life जो भी केदारनाथ में था उनको destroy कर दिया था, right? Now if you want to know more about it, you can go and watch Kedarnath movie. You will come to know how the disaster actually takes place. Okay, and what happens when the disaster occurs. ठीक है, ना वो तो आप disaster देखोगे, but there are certain मैनेजमेंट विच मैनेजेस दिस डिज़ास्टर. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट. एंड देर आर सर्टन पॉइंट्स विच यू शुड नो व्हेन एनी डिज़ास्टर अकर, बिकॉज डिज़ास्टर इज़ अ सर्टन इवेंट. ओके, आपको नहीं पता होगा कि अभी डिज़ास्टर आने वाला है, इट विल डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ द ऑन द अर्थ. ओके, बट इट विल डिस्ट्रॉय. सो आपको नहीं पता, ये कभी भी आ सकता है. सो यू शुड बी अवेयर वॉट यू हैव टू डू एट दैट टाइम, एंड दैट इज़ द रीज़न ये लेसन आपको दिया गया है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट. ओके, नाउ सी, कैन यू टेल मी वॉट इवेंट्स कैन यू सी इन द पिक्चर? वॉट कैन यू सी इन द पिक्चर विच इज़ गिवन बिसाइड योर? यू कैन सी ऑल द बिल्डिंग्स, दे आर जस्ट क्रैकिंग. Here there is no rainfall, है ना, बारिश नहीं है तो पूरा जो लैंड है वो सूखा पड़ गया है. देन वॉट इज़ दिस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सो दिस इज़ द फ्लड कंडीशन. यहाँ पे फायर, आग लग गई है. यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा आ रही है, राइट? एंड दिस इज़ द वॉल्केनिक इरप्शन. सो दिस आर सम ऑफ द डिज़ास्टर्स जो हमारी लाइफ पे अफेक्ट करता है. ओके, now so these are the events which you can see in the picture, right? Now what would you have done in this situation? अगर आप ऐसे situation में होते तो आप क्या करते? आप panic कर जाते, right? आप डर जाते. So आप डरो नहीं, and you should know the situation in this cases. That is the only reason why this lesson is given to you. Okay? So अगर earthquake आ रहा है, the first incident earthquake आ रहा है, ठीक है, देन ड्राउट कंडीशन हो रहा है. ड्राउट कंडीशन मतलब क्या, बारिश नहीं आ रही एंड द लैंड्स दे आर गेटिंग ड्राई. अब बताओ लैंड्स ड्राई होंगे तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस विच द पीपल हैव टू फेस? सी, अगर लैंड्स ड्राई हो रही है, बारिश नहीं आ रही, इट मीन्स दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर वाटर सोर्स विच दे नीड. पानी तो हम सबको चाहिए ना, आफ्टर एवरी हाफ एन आवर वी आर ड्रिंकिंग वाटर एंड वी नीड वाटर इन फॉर डूइंग one or the other thing, for washing cloth, then for washing the dishes, for drinking purpose, right? So we are using water here and there and that is the main source. पर अगर बारिश ही नहीं होगी, and main चीज plants जो होते हैं they are very much important to us, right? अभी हमने पढ़ा था in the last lectures that we need oxygen. And ये oxygen आता कहाँ से है? We get the oxygen from the plants, right? So plants हमें oxygen देते हैं and they take कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अस, राइट? सो अगर बारिश नहीं आएगी, लैंड्स ड्राई हो जाएंगे, सो हाउ द प्लांट्स विल ग्रो? बिकॉज प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ, राइट? एंड बहुत ज़्यादा अगर सूखा हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, इट मीन्स वॉट? बहुत ज़्यादा सनलाइट होगी. सनलाइट बहुत ज़्यादा होगी, इट मीन्स हिट होगा, राइट? वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी लोगों को, एंड गर्मी होती है तो वी नीड मोर अमाउंट ऑफ वाटर टू ड्रिंक. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ड्राउट. देन थर्ड इज, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो हर जगह पानी पानी हो जाएगा, राइट? सो दिस आर द सिचुएशंस एंड यू शुड नो हाउ यू विल मैनेज दिस सिचुएशन. ठीक है,
Now, have you experienced such a situation yourself? I don't think so. You might have experienced such a situation, and you should not experience this, because this should not happen. Okay, but you should know how to manage such situations. Okay, now see, why do these events occur? What do you think? Why do these events occur? Now we have seen there need to be an environmental balance. हर एक चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है ना. अगर कोई भी चीज़ उसके बैलेंस से आप उसको ख़राब कर दोगे तो यू विल हैव टू फेस सम ऑर दी अदर प्रॉब्लम. ओके, नाउ आई टोल्ड यू टू वॉच द केदारनाथ मूवी. अब उस मूवी में जब ये केदारनाथ का इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त ऐसा बोला गया था कि पीपल दे वर ट्राइंग टू चेंज द पोजिशन ऑफ द रिवर, दे वर ट्राइंग टू चेंज द फ्लो ऑफ द रिवर, एंड द आउटकम क्या मिला उससे उनको, द सिचुएशन दैट हैपेंड इन केदारनाथ, राइट. सो यहाँ पे क्या किया गया, नेचर के साथ वी वर डिस्टर्बिंग द नेचर, वी वर डिस्टर्बिंग द वर्क ऑफ द नेचर, एंड हाउ द नेचर रिएक्टेड टू इट वी हैव सीन दैट, राइट. सो यहाँ पे एनवायरमेंटल बैलेंस होना ज़रूरी है. अगर कहीं पे भी एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो ख़राब होगा तो वहाँ पे यू विल फेस सच डिज़ास्टर्स. अब डिज़ास्टर के भी दो टाइप होते हैं, यू नो, वन इज़ नेचुरल डिज़ास्टर जो नेचर की वजह से ही हो जाता है, एंड सेकेंड वन इज़ मैन मेड डिज़ास्टर जो हम करते हैं. जैसे केदारनाथ का इंसिडेंट था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड द इंसिडेंट, बट इट वॉज टोल्ड कि इट हैपेंड बिकॉज द फ्लो ऑफ द रिवर वॉज चेंज्ड. ठीक है, तो अगर ये रीज़न होगा, सो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस विच those who have done this, right? So this is called as man-made disaster. And if you know about tsunami, if you can see the picture here, and if you can see the strong winds, these are the reason. And this has if there is a if you can see there is heavy rain and floods are occurring, so that is all because of nature, and there we can say it is a type of natural disaster. Okay, now see, in July 2014, I think so this might be your birth year. No, this not might be your birth year. So in 2014, the whole village of Malin in Ambegaon Taluka of Pune district, the whole village of Ambegaon Taluka was destroyed because of disaster. And in how much minutes it has been destroyed? In just a matter of minute. And what happened? Landslide took place in this Taluka Ambegaon, okay? सो लैंडस्लाइड हुआ तो इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग दे गॉट बरीड अंडर द सॉइल, एंड कुछ ऐसे लोग थे, दोज पीपल डाइड, एंड ऐसे भी लोग थे जिनकी कभी बॉडी मिली ही नहीं पब्लिक को. ओके, सो दिस वॉज द वेरी डेंजरस इंसिडेंट विच टुक प्लेस. यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड जस्ट यू कैन चेक इट वंस इफ यू गेट सम वीडियोज, दैट विल बी हार्ट ब्रेकिंग वीडियोज इफ यू सी. ओके, सी, then in November 2015 many people died due to flooding which was caused by heavy rains in Tamil Nadu. Okay, so the next disaster which was faced, it was faced by Tamil Nadu in the year 2015, and वहाँ पे क्या हुआ था, because of heavy rain बहुत ज़्यादा flood हो गया था and many people died because of that. ठीक है, then in 1993 many people died due to the earthquake at Killari in Latur district. ठीक है, अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत लोग दे डाइड. देन इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई शडर एट द मेमोरी ऑफ जुलाई 2005 व्हेन मेनी पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन द डेली कॉज्ड बाय द हैवी रेन. सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस द शडर ऑफ द मुंबई विच वॉज कॉज्ड इन जुलाई 2005, एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस दैट वॉज अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस, बिकॉज पीपल दे वर जस्ट trying to get a shelter, they were just trying to get a safe place. Okay, so the people who were living in small areas, unke ghar mein pura pani bhar gaya tha, everything was destroyed in their houses. Okay, so they were looking for a place, safer place to go. So jitne bhi buildings the na us time, jo small area wale log the, they went to the building and they were on the terrace, then some of the people they gave them place to stay at night. And many people died at that time, and बहुत ज़्यादा loss हुआ था उस time. People का, लोगों का भी, many people died, and ऐसे भी बहुत ज़्यादा loss हुआ था people को. Okay, so this was the bad experience I have faced till now. Okay, now see,
नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, एज आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा लोग दे डाइड, मैनी पीपल लॉस देयर लव्ड वंस, देन बहुत ज़्यादा उनको घर में भी लॉस हुआ था बिकॉज जो भी उनका घर का सामान था, बिकॉज इट वॉज फ्लडिंग, तो फ्लड से पता नहीं सबका सामान कहाँ पे गया. पीपल डिडंट गेट द टाइम टू टेक आउट द प्रेशियस मेटल्स, मतलब जो गोल्ड सिल्वर रखा होगा या जो पैसे रखे होंगे, दे फ्लोड. लिटरली वॉट हैपन यू नो, जो कैश थे लोगों के, दे वर फ्लोटिंग इन द वॉटर एंड एनी वन दे यूज टू कैच इट इफ़ दे कैन. तो ऐसा सिचुएशन आ गया था, तो उनके घर में जो पैसे थे एवरीथिंग इट वॉज डिस्ट्रॉयड. ठीक है, सो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पे पीपल का लॉस हो रहा है, लैंड पे लॉस हो रहा है, नेचर को लॉस हो रहा है, प्लांट्स जो है वो पूरे ख़राब हो रहे हैं, क्रॉप्स ख़राब हो रहे हैं, देन जो घर का सामान है वो ख़राब हो रहे हैं. तो डिज़ास्टर इज़ नॉट अ गुड थिंग दैट अकर्स. ओके, सो यहाँ पे आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो, तो यू कैन डिफाइन डिज़ास्टर एज अ सडन इवेंट दैट कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, लाइक राइट, मैनी पीपल डाई, देन प्रॉपर्टी भी ख़राब हो जाती है, एंड द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ नेशन और अ सोसाइटी, ये सारी चीज़ें जब डैमेज होती है एट दैट टाइम वी कॉल इट एज अ डिज़ास्टर. ओके, सो कोविड इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिज़ास्टर विच वी आर फेसिंग. ठीक है, कोविड में क्या हो रहा है, द प्रॉपर्टी लॉस इज़ नॉट टेकिंग प्लेस बट वी हैव लॉस्ट आर लव्ड वंस एंड इट इज़ नॉट दैट कि वन टू पीपल हैव डाइड, राइट, बहुत सारे लोग मरे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिज़ास्टर विच द होल वर्ल्ड हैव फेस्ड. ठीक है, so I think so this is the first disaster which you have noticed and because of this disaster everything has changed, right? Now see, this is the disaster at Malin village which took place and see how it occurred. And now use your brain power and answer me, what disasters can occur in school or on the way, when you are on the way to school and that disaster can occur, what can happen? Because disaster is a sudden event, na? It can happen any time. It doesn't know that you are going to school or you are at home. तो कभी भी हो सकता है. So, can you tell me what disasters can occur? And according to you, what can be done to deal with such a disaster? Okay. Now, if I have to answer this question, I will tell you ki if I am on the way to school, what disaster can happen is, एक तो earthquake आ सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, देन इफ़ आई एम ऑन द वे टू स्कूल, अगर बहुत टाइम से बारिश हो रही है तो वहाँ पे फ्लड भी आ सकता है. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द डिज़ास्टर दैट कैन हैपन. एंड अगर मुझे इसको फेस करना है तो हाउ आई विल डील, यू नो, अर्थक्वेक अगर आया है, आई विल जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आया है आई विल जस्ट फाइंड अ सेफ प्लेस वेर आई कैन गो एंड आई विल नॉट मूव योर एंड देयर. लाइक आपने देखा होगा कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, पीपल दे बिकम हाइपर एंड दे स्टार्ट टू रन योर एंड देयर, सो दैट शुड नॉट बी डन. ओके, तो मैं एक सेफ प्लेस ढूंढूंगी, और इफ़ आई एम इन अ कार आई विल जस्ट सिट इन द कार एंड आई विल टेक द कार टू अ सेफ प्लेस, एंड द कार शुड नॉट बी अंडर दी ट्रीज बिकॉज उसके ऊपर ट्रीज गिर सकते हैं ना, सो टेक अ कार टू अ प्लेस जहाँ पे ट्रीज नहीं होंगे. ओके, एंड जस्ट पार्क द कार एट सेफ प्लेस एंड बी एट वन प्लेस ओनली. एंड इफ यू आर इफ आई एम एट होम तो आई विल जस्ट गो अंडर द टेबल एंड आई विल सिट देयर. ओके, सो यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम. ठीक है, नाउ सी हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर्स अकर, नाउ यू हैव टू आंसर दिस. फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन, वॉट डू यू थिंक कि फ्लड्स क्यों आ जाते हैं हैवी रेन के वजह से, एंड अर्थक्वेक, लाइटनिंग एंड वोल्केनिक इरप्शंस वाई डू दे अकर, फॉरेस्ट फायर वाई डू दे अकर, इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया, वॉट इज़ द रीज़न, देन रैम्पेंट एंड इररेगुलर कंस्ट्रक्शन, इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस, terrorism, riots and crimes which are resulting in bomb explosion, assaults, fire and accidents etc. Now see, जो floods due to heavy rain क्यों आ सकता है flood, because see, अब जो dam area वाले जहाँ पर dam है एंड ऐसे areas हैं, तो जब बहुत ज़्यादा heavy rain होती है ना, तो sometime the situation arises जहाँ पर dam का पानी उनको छोड़ना पड़ता है area में. Okay, so that time you can face flood. Okay, now where I stay ना, यहाँ पर एक incident हुआ था. It was raining heavily since 1 to 2 days and
जो डैम में पानी था ना, दैट वॉज ओवरफ्लोइंग एंड द पीपल वर्किंग देयर दे वर गिवन द अथॉरिटी टू रिलीज द डैम वाटर इन टू द एरिया. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट विच आई हैव फेस्ड. सो एक ये रीज़न हो सकता है फ्लड आने का. अनदर रीज़न माइट बी जो गटर्स है दे आर नॉट फिल्ड, दे आर नॉट मेड प्रॉपरली, या फिर वो गटर में बहुत ज़्यादा, अब हम उसमें कचरा कौन डालता है गटर में, वी आर द वन हु आर स्पॉइलिंग दैट, राइट. सो उसके वजह से द गटर्स ओवरफ्लो हो जाते हैं एंड पानी को पास होने का जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली रीज़न है फ्लड आएगा. देन इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट हाई टाइड्स, तो हाई टाइड्स में क्या होता है, जो हमारा सीज है, लेक्स है, रिवर है, वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ जाता है, सारे एरियाज़ में आ जाता है, तो पीपल नियर बाय दे विल एक्सपीरियंस फ्लड. ओके, देन सेकेंड वन इज़ अर्थक्वेक, लाइटनिंग एंड वोल्केनिक इरप्शन. सी, अब अर्थक्वेक क्यों आता है, इट इज़ बिकॉज अगर अर्थ की क्रस्ट पे कोई वाइब्रेशन्स आएंगे ना, उस वाइब्रेशन को हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, जब जनरेट होते हैं ना अर्थ के लेयर पे, दैट टाइम वी फेस अर्थक्वेक. ओके, देन नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट फायर. नाउ हु इज़ द वन हु कॉजेज दिस फॉरेस्ट फायर, वी आर द वन. जब तक वी विल नॉट लाइट अप द फॉरेस्ट तब तक फॉरेस्ट फायर होना ही नहीं है, राइट. देन इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. नाउ सपोज टेक वन एरिया विच इज़ नेम्ड एज ए, ठीक है, आई एम नेमिंग द एरिया एज ए. अब ये एरिया के अंदर द लैंड अवेलेबल इज जस्ट दिस मच एंड द पीपल हु कैन लीव इज़ ओनली 1000, बिकॉज उससे ज़्यादा लोगों के लिए जगह नहीं है, द एरिया इज़ लिमिटेड, ठीक है. अब पीपल फ्रॉम ऑल, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़ दे आर कमिंग एंड दे वॉन्ट टू रिसाइड इन दिस एरिया ओनली, और द पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. सो वॉट हैपन्स, लैंड तो इतना ही बड़ा है एंड लोग सिर्फ 1000 रह सकते हैं, पर वॉट हैपन्स, बिकॉज पीपल आर माइग्रेटिंग हियर, पीपल आर कमिंग हियर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे 1500 हो गया है, तो वॉट विल हैपन, द एरिया विल बिकम कंजस्टेड. इसको ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ हाईली डेंस, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ लिविंग इन अ लिमिटेड एरिया, ठीक है. देन रैम्पेंट एंड इरेग्युलर कंस्ट्रक्शन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज, वाई डू दे हैपन, इट इज़ बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजन्स ऑल्सो एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ मैन मेड रीजन्स ऑल्सो, ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ टेररिज्म, रायोट्स एंड क्राइम्स. नाउ अगर आपको ताज होटल का पता है, 26 जुलाई, 26/11, ओके, 26 नवंबर, तो वहाँ पे एक तरह से बॉम्ब एक्सप्लोजन ही हुआ था. एंड व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, बिकॉज जो कंट्री है इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके, सो उनके बीच में रियॉट्स चलते रहते हैं कुछ कुछ, एंड पीपल फ्रॉम देयर कंट्री और पीपल दे डू सच थिंग्स, सो दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल डू सच थिंग्स. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द डिज़ास्टर्स एंड यू विल बी स्टडिंग सम ऑफ द डिज़ास्टर्स इन डिटेल इन दिस लेसन, ठीक है. नाउ एज आई टोल्ड यू, डिज़ास्टर्स दे आर ऑफ टू मेन काइंड्स, वन इज़ मैन मेड डिज़ास्टर एंड द अदर वन इज़ नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है. नाउ वॉट इज़ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैसे आता है, आई टोल्ड यू एक सिस्मिक वेव जनरेट होती है अर्थ के ऊपर, तो हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया है, राइट. नाउ सी, मूवमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इट विल रिलीज व्हेन, सी अर्थ के इंटीरियर में जब कोई मूवमेंट होता है ना, तो इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वो एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, एंड दिस एनर्जी विल कॉज दिस सिस्मिक वेव्स विच विल लीड टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, लाइक ट्रिमर्स, शेकिंग एंड क्रैकिंग, है ना. जब अर्थक्वेक आता है तो यही सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो लैंड है वो शेक हो रहा है, क्रैक्स आ रहे हैं लैंड के ऊपर, राइट. तो जब सी अर्थ के इंटीरियर के अंदर जब मूवमेंट्स होंगे ना, तो इट विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड जब ये एनर्जी आएगी तो इट विल कॉज सिस्मिक वेव्स एंड ये सिस्मिक वेव्स के वजह से क्या होगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ मूवमेंट्स होगा एंड इस मूवमेंट को ही वी कॉल इट एज अर्थक्वेक, ठीक है. तो सच वाइब्रेशंस और क्वैकिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक, इट्स ईजी, राइट. देन इट इज़ बिलीव दैट बिसाइड अदर कॉजेज, मैन मेड कॉज लाइक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स कैन ऑल्सो लीड टू अर्थक्वेक,
Now, how the waves can be generated and how the movements takes place in the interior of the earth? अगर आपको mining process पता होगा, इसमें क्या करते हैं, you know, gold कहाँ से आता है? Gold comes from gold mining only. ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं and gold होता कहाँ पे है? बहुत अंदर होता है land के and they will have to dig the land for that. तो जब बहुत earth के land के बहुत अंदर तक digging होगी ना to find out the gold, उस टाइम भी अर्थक्वेक होने के चांसेस है, बिकॉज वहाँ पे अर्थ के मूवमेंट, अर्थ में मूवमेंट्स आ रहे हैं. नाउ दैट मूवमेंट विल गिव राइज टू अ एनर्जी एंड दैट एनर्जी विल कॉज द सिस्मिक वेव्स एंड बिकॉज ऑफ विच अर्थक्वेक कैन अकर. ओके, तो नेचुरली तो बहुत सारे रीज़न है, बट मैन मेड रीज़न इफ़ यू टॉक अबाउट इट इज़ माइनिंग. देन इफ़ यू आर बिल्डिंग बिग बिग डैम्स, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर अर्थक्वेक. ओके, then movements in the interior of the earth, they will release tremendous amount of energy. This causes seismic waves, right? We studied this now. Now it is believed that we saw ki beside natural cause, man-made causes kya hai? It is mining and construction of big dams, right? Now see, next is flood. Now I hope you are clear how earthquake occurs. Next, disaster is flood. Now, a frequently occurring natural disaster. So, flood is a natural disaster which occurs in all parts of the world. Okay, which is flood. Now, due to excessive rain means due to heavy rain in the same place, a river will overflow its bank, which will cause a flood. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगी तो river, sea सब overflow करेंगे and that will lead to a condition or that will lead to a disaster which is called as flood. This is how flood occurs. Okay, now the water drainage system in big cities, they fall short when there is heavy rainfall. Water drainage system matlab kya, agar aap gutter ki baat karoge to wahan pe water ek tarah se drain ho raha hai, right? Water ko pass hone ke liye agar aapne dekha hoga bahut sare roads pe construction hota hai, they fit large pipes in the road, right? सो वहाँ पे जो बड़े बड़े सिटीज़ है वहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम छोटा पड़ जाता है एंड बिकॉज अगर कभी वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो गया तो इट विल लीड टू चॉकिंग ऑफ गटर्स एंड ड्रेनेज लाइंस. ठीक है, गटर्स जो है वो चोक हो जाएंगे, मतलब जाम हो जाएंगे. ठीक है, एंड दैट विल लीड टू वॉट, दैट विल लीड टू फ्लड. देन वाटर ओवरफ्लोज ऑन द रोड्स एंड द सराउंडिंग एरियाज एंड इवन एंटर्स द नियर बाय हाउस. नाउ इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, सारे घर जो है वो ऑलमोस्ट दे आर फुल टू द टॉप पोर्शन, राइट? सारे माउंटेन्स ही आपको दिख रहे हैं, बसेस कार्स जो है वो सारे डूब चुके हैं. सो दिस फ्लड कंडीशन, नाउ इफ़ यू ऑन योर टेलीविजन एंड इफ़ यू सी द लास्ट वीक्स वीडियो और लास्ट टू लास्ट वीक्स वीडियो, दिस इज़ अ फ्रिक्वेंट अकरिंग डिजास्टर विच इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय डिफरेंट सिटीज. ओके, नाउ वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड. फ्लड तो आ गया बिकॉज ऑफ हैवी रेन, पर उससे होता क्या है? हाउ डू ह्यूमन बींग्स दे आर अफेक्टेड बाई दिस? सो ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, फ्लड्स में भी बहुत लोग दे डाए एंड प्रॉपर्टी लॉस इफ यू कैन सी, जो पानी है पूरा उनके घर तक, पूरा ऊपर तक भर चुका है, राइट? सो दे विल हैव लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. देन सॉइल इरोजन. नाउ वॉट डज द वर्ड सॉइल इरोजन मीन्स? सी, जो सॉइल होता है ना उसके पास बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं विच आर नीडेड बाय द प्लांट. ठीक है, अभी आपको पता है कि हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, राइट? बट प्लांट्स है ना, वो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. ये नाइट्रोजन, प्लांट्स पहले नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में एंड फॉर दैट दे नीड सम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है एंड जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है दैट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल इटसेल्फ. ठीक है, तो अगर फ्लड आएगा तो व्हाट हैपेंस, जो सॉइल होता है इट गेट वॉश्ड अवे फ्रॉम दैट रीजन, राइट? तो यहाँ पे इसको, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन. ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द फ्लड बिकॉज द वॉटर विल टेक द सॉइल समवेयर एल्स. Then third is destruction of the standing crops. अब suppose summer का time है and summer में कोई specific plant या crop grow करता है in a particular region. Okay, and वो grow करने के बाद in rainy season farmers उसको काटते हैं and then they supply it in the market.
तो रेनी सीजन में वो सप्लाई करने वाले हैं, मीन्स वो कट करने वाले हैं क्रॉप्स को. अब बहुत ज़्यादा बारिश आई, फ्लड का कंडीशन हो गया, तो जो भी क्रॉप्स थे उनके एग्रीकल्चरल लैंड पे दे विल गेट डिस्ट्रॉयड. बिकॉज अगर घर घर में इतना पानी भरा हुआ है तो क्रॉप्स तो ऑब्वियसली बात है दे माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड. तो जो क्रॉप्स है वहाँ पे क्रॉप्स का लॉस भी होता है. ठीक है, देन आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, फ्लड जाने के बाद इफेक्ट क्या देखोगे आप, कि बिकॉज अभी ये पानी हर जगह फैला हुआ है एंड ये पानी पता नहीं कहाँ से आया है, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे डिजीज़ होने लगती हैं आफ्टर फ्लड कंडीशन. ठीक है, पीपल फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, ठीक है, एंड एपिडेमिक डिजीज़ भी हो सकती है. सपोज़ अभी अगर एक एरिया में फ्लड आया है, एरिया ए में फ्लड आया हुआ है, ओके, तो ये एरिया में जितने भी लोग हैं दे कैन सफ़र फ्रॉम एन एपिडेमिक डिजीज़. एपिडेमिक मतलब क्या, अगर कोविड सिर्फ इंडिया में होता ना तो दैट वाज एन एपिडेमिक डिजीज़. अभी हम बोलते हैं कोविड इज़ अ पेंडेमिक. व्हाई इट इज़ अ पेंडेमिक, बिकॉज वो पूरे वर्ल्ड में है. अब एपिडेमिक मतलब क्या, ये सिर्फ ए रीजन में ही डिजीज़ होगा सबको, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन एपिडेमिक डिजीज़. ठीक है, तो ये आफ्टर इफेक्ट हो जाता है ऑफ द फ्लड. ओके, नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग डिजास्टर एज मैन मेड और नेचुरल. नाउ टेल मी, फायर इज अ मैन मेड डिजास्टर और अ नेचुरल डिजास्टर? ऑब्वियसली बात है फायर इज अ मैन मेड डिजास्टर, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल वी विल नॉट फायर तब तक आग लगेगी नहीं. अर्थक्वेक इज अ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, सो अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर, राइट? देन लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस. अब लीकेज किसकी वजह से होता है, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स व्हेन जब हम अच्छे से ध्यान नहीं देते अपनी चीज़ों पे, अपने इंस्ट्रूमेंट पे, तो जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं जो ये केमिकल गैस का प्रोडक्शन करते हैं, अगर वो ध्यान नहीं दे रहे, उनके टैंक्स में लीकेज है, सो ये उनके वजह से हो रहा है, राइट? सो दिस इज़ अ मैन मेड डिजास्टर. देन स्टॉर्म्स, दिस स्टॉर्म्स आर नेचुरल डिजास्टर. फ्लड इज़ ऑल्सो अ नेचुरल डिजास्टर, और यू कैन से फ्लड हैवी रेन के वजह से तो होता है, बट अगर हमारे गटर्स चोक नहीं करेंगे एंड वी हैव द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तो फ्लड आने के चांसेस नहीं होंगे. ओके, देन सुनामी, इट इज़ अ नेचुरल डिजास्टर. बॉम्ब एक्सप्लोजन, नाउ नेचुरली तो बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करेगा ना, तो वेन एन इंडिविजुअल विल एक्सप्लोड इट तभी ही तो बॉम्ब एक्सप्लोजन होगा, राइट? देन बिल्डिंग कोलैप्स क्यों होती है, बिकॉज हमने अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं किया है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ मैन मेड डिज़ास्टर. देन वॉर, दिस इज ह्यूमन बींग्स ही वॉर करते हैं, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो अ मैन मेड डिज़ास्टर. फॉरेस्ट फायर भी वी ह्यूमन बींग्स डू, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो अ मैन मेड डिज़ास्टर. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, राइट? नाउ वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट होता है हम पे? एक तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जैसे बिल्डिंग हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, दे विल ब्रेक एंड दे विल गेट डिस्ट्रक्टेड, राइट? तो हमें उसको फिर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, सो दैट इज़ अ लॉस टू अस. देन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर. अब अर्थक्वेक आता है तो रिवर का जो डायरेक्शन है फ्लो होने का, दैट विल चेंज, एंड अर्थक्वेक के बाद फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज रिवर का डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस है, राइट? देन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट? नाउ यू कैन राइट ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डिजास्टर. ओके, नाउ सी, नेक्स्ट इज स्टॉर्म. अब स्टॉर्म क्यों आता है एंड हाउ यू विल डिफाइन इट? सो द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट इन द एटमोसफियर. जब एयर प्रेशर हाई एंड लो होने लगेगा ना बार बार, तो दैट विल कॉज चेंज इन द वेदर विच विल रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग विंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉर्म्स. ठीक है, अब ये स्टॉर्म्स के इफेक्ट क्या होता है? ग्रेट डैमेज इन स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन. जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, बिकॉज लोगों का जो भी सामान है दे विल विंड के वजह से, बहुत ज़्यादा हवा होने की वजह से लोगों के पत्रे उड़ जाएंगे, राइट? उनके बोट्स ख़राब हो जाएंगे, बोट्स गिर जाएंगे, people suffer a lot. Then tremendous loss to life and property, disruption of the electric supply. जब भी ऐसा strong winds आएंगे ना, उस वक्त electricity चली जाती है, so that will be disrupted. Then transportation and communication system, ये भी बंद हो जाता है because of the storms. Okay, now next is forest fire.
फॉरेस्ट फायर क्या होता है? इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड फायर विच अकर्स इन द फॉरेस्ट, पास्चर और अ ग्रास लैंड विच इज़ ड्यू टू नेचुरल. इट कैन बी अ नेचुरल रीज़न ऑल्सो और इट कैन बी अ मैन मेड कॉज ऑल्सो. ओके, एंड आपको पता ही है जो फॉरेस्ट फायर होता है दे विल स्प्रेड वेरी क्विकली, विद इन सेकेंड्स दे विल स्प्रेड इन द होल फॉरेस्ट. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट? जो भी उसके अंदर एनिमल्स रहते हैं दे विल गेट अफेक्टेड. सो यहाँ पे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा लॉस होगा. देन ग्रेट डैमेज टू द नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी. नाउ व्हाट डज द वर्ड बायोडाइवर्सिटी मीन्स? बायो मतलब क्या? लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. ओके, नेचुरल वेल्थ पे क्या होगा? जो पूरा नेचुरल ब्यूटी है हमारे अर्थ पे दैट विल गेट डिस्ट्रॉयड, राइट? देन बिकॉज फायर हो रहा है तो आप देखोगे कि ब्लैक ब्लैक जो धुआं है वो पूरा एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होगा, तो दैट विल कॉज पोल्यूशन ऑफ द एयर. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद टुडेज टॉपिक विच वी हैव स्टडीड अबाउट अर्थक्वेक, फ्लड, storm and forest fire. Okay, in the next lecture we will start with disaster management. It means what? How you will manage the disaster condition. Okay, I hope you are clear with all the topics which we have covered today, all the concepts. Okay, so we are done for the day. Thank you everyone.